उसे होने लगा है एहसास कि कोई और भी है उसके पास, क्योंकि अकेला नहीं, कोई और भी ले रहा है उसके शरीर में सांस। पर महंत, आप जानते हैं, जब तक वो आत्मा नहीं चाहेगी, हम उसे उस लड़के के शरीर से अलग नहीं कर सकते। आपके वाक्य सत्य है कोबरा, परंतु हर समस्या का समाधान होता है। परंतु कैसा समाधान महंत? समाधान कोबरा, जो अतीत में छुपा है और किसी अभिशाप से जुड़ा है। एक कहानी जो एक अतीत में जाने की, खुद को श्रेष्ठ बताने की, मृत्यु के पश्चात अमरता पाने की। जी ये, हाँ, यही वो जगह है जहाँ उस दिन मैंने सांपने को छोड़ा था। उसे आभास है, इसलिए वो जानना चाहता है हकीकत को, अपने अंदर छुपे सीरत को। पर वो आदमी जाना कहाँ चाहता था? यहाँ कहाँ? शायद यहाँ। हाँ, शायद यही उसका घर होगा। और उसका खुद के प्रति संदेह ठीक नहीं, क्योंकि टूटेगा सिर्फ आत्मविश्वास, जो उसके लिए एक सही सीख नहीं। अगर सच में उस दिन मैंने उस आदमी की जान ली है, तो मुझे जीने का हक नहीं। सुनिए, घर पे कोई है? जरा रुकिए, आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? बस कुछ जानना था, क्या आपके घर में सब ठीक है? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, कहीं तुम मेरे बेटे के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो? आपका बेटा, क्या हुआ उनको? वो परसों काम से गया था, आने में देर हो गई थी उसे, पर वो घर नहीं लौटा। ये कौन है दादा, और पापा को क्यों पूछ रहे? पापा घर आने वाले हैं क्या? ये मेरा पोता है और ये मेरी बहू, इनके सवालों का क्या जवाब दूंगा मैं? समझ सकता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया। क्या मतलब, मेरा बेटा जिंदा तो है ना? नहीं, और वो कभी लौटेगा भी नहीं। वो मजबूर था सब बताने के लिए, क्योंकि उसे नहीं आता था समझाने के लिए, पर अब वो तैयार था स्कॉर्पियो से टकराने के लिए। बस बहुत हो गया, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसके बदले लोगों की मौत हो। और मैं समझ गया हूँ, तुम जो कोई भी हो, मुझे हर वक्त सुन सकते हो। बस इतना जान लो, मैं तुम्हारे इस खेल के सदस्य नहीं बनूंगा, मैं खुद को ही मार लूंगा। ये क्या महंत, अगर उसने स्वयं स्वयं के प्राण ले लिए तो क्या कुछ ठीक होगा? नहीं कोबरा, वो आत्मा उसे मरने ही नहीं देगा, परंतु वह लड़का अंदर ही अंदर मर जाएगा, क्योंकि पाप का एहसास होने से उसे खुद से कौन बचाएगा? परंतु मैं तो उसकी मदद कर सकता हूँ ना महंत। शारीरिक रूप से तो कदाचित नहीं कोबरा, परंतु मानसिक रूप से संभावनाएं हैं। तो फिर ठीक है महंत, मैं प्रयत्न करूंगा, उस निर्दोष के लिए ये जंग लड़ूंगा। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा, क्योंकि अब उस अतीत का आरंभ होगा। अच्छे से समझते हैं महंत कि इस कहानी का अंत और शुरुआत छुपा है उसके अतीत में, बस ध्यान देना होगा उसके रीत में। ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम चाहो तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। खुली आंखों से नहीं दिखता, पर इस वक्त तुम्हारा एक और भी सूरत है। कोबरा, आप मुझे दंड दीजिए। कोबरा, मैंने बहुत से निर्दोषों का जान लिया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। कोबरा नहीं, क्योंकि अगर यह सत्य होता तो ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर होता, और वैसे भी एक गुनहगार किसी की मौत पे नहीं होता। परंतु मैं गुनहगार हूँ कोबरा, मैंने बहुत से निर्दोषों को मारा है। वो तुम नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा शैतान है, तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना उसका काम है। क्या मतलब है कोबरा आपका? लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया कृष्णा, वो आत्मा सिर्फ तुम्हें कमजोर चाहता है, जब तुम कमजोर होते हो वो तभी बाहर आता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोबरा, पर मैं कर क्या सकता हूँ? ये तुम बताओ क्या नहीं कर सकते? अगर तुम खुद पे भरोसा रखो तो मौत का प्रवाह रुक जाएगा, अगर तुम उसे मौका ही नहीं दोगे तो बाहर भी नहीं आएगा। शायद हाँ। कोबरा, जो भी हो, मैं आपकी बात समझ गया कोबरा। वो ये बात समझे, यही तो कोबरा चाहता है, क्योंकि जब कृष्णा मुसीबत में होता है तभी स्कॉर्पियो बाहर आता है। पर स्कॉर्पियो क्या चाहेगा, ये तो वक्त बताएगा, जब अतीत का चेहरा सामने आएगा। साथ ही स्टोरी खुलकर भी बंद हो जाएगा जब अभिशाप अपने पंख फैलाएगा। साथ ही स्टोरी में आप लोगों के लिए गिव अवे है, लेकिन उससे पहले बहुत से बंदे स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, जाकर वहां से ज्वाइन कर लो और एक प्यार से कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दो। सुनो अली, आप कौन है और क्या काम है आपको? काम है, पर तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा भाई। भाई? पर वो तो भी गलपन नहीं है। जानता हूँ, पर काम जरूरी है, इसलिए इंतजार करो। वो रोक सकता है किसी को भी उसके स्थित अवस्था पर, ये नियंत्रण है उसका एक आत्मा के उच्च स्तर पर। निमीना तुमा, ये आया क्यों है, चाहता क्या है, ये सब एक राज है, बस इतना ध्यान रखना, ये वो है जिसके वजह से ये कहानी इस स्थिति में आज है। निमीना आजाद, तुमको कुछ हुआ था?
लगा? कुछ नहीं, अपने भाई से कहो कि वो अपना ध्यान रखे, बचे वो जब तक बच सके। कहानी से दूर है पर उसे सब पता है, यकीन मानो कृष्णा जैसी स्थिति उसकी भी है पर फिर भी वो उससे बचा है। कि क्या हुआ रे, तू यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? भाई कोई आया था? भाई तुमको पूछ रहा था, मुझे तो वो बहुत अजीब लगा। मुझे पूछ रहा था पर था कौन वो? मुझे नहीं पता भाई, पर वो बहुत अजीब था, लग रहा था तुमको बहुत अच्छे से जानता है। मुझे जानता था पर वो तुझे अजीब क्यों लगा रे? ये क्या? भाई पुलिस क्यों आई है? मुझे नहीं पता रे, पर तू डर मत। पर डरने वाली बात तो है लड़के, तुझे हमारे साथ चलना होगा, तेरे खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं हमें। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। भोला तू घबराना मत रे, पर मुझे जाना होगा। पर क्यों? नहीं नहीं तुम मत जाओ भाई, मुझे जाना होगा। भोला तू माँ का ध्यान रखना। पर क्यों? तुमने क्या किया? मत जाओ भाई, मत जाओ। पुलिस अंकल तोड़ दो मेरे भाई को। उस वक्त कृष्णा चुप था क्योंकि जानता था वो वजह जाने का, पुलिस के वहां आने का। अपनी मजबूरी के चलते वो चुप था क्योंकि वो अच्छे से जानता था अनजाने में ही सही, लेकिन जिसने ये सब किया वो उसी का रूप था। वो पहुंच चुका है वहाँ। कोबरा तुम्हें भी जल्द जाना होगा, अंत निकट है, तुम्हें सबको बचाना होगा। लीजिए सर, वो लोग आ गए। अबे ओए चल उतर जा, जल्दी आ जा। सर हम उसे ले आए। मलिक अब जिंदा है? हाँ पर अब तू जिंदा नहीं रहेगा। तूने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं मलिक आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मैं नहीं था मलिक, वो मैं नहीं था। मुझे मूर्ख समझते है क्या बे? मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। नेताजी ये वही है, इसी ने उन सब लोगों को मारा है, मुझे भी मारना चाहता था। नहीं मलिक आप जैसे सोच रहे वैसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया नेताजी, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ठीक है लड़के, तुम्हारे बात की जाँच की जाएगी, अगर तुम्हारी बात ठीक है तब तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हें बहुत कड़ी दंड दी जाएगी। इंस्पेक्टर्स ले जाओ इसे। जी सर। अबे ओए चल। ठीक है पर मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं था। उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता उसकी बात गलत हो या सही। डीएसपी उस लड़के की बात सच हो या गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, एनकाउंटर में मार डालो उसे। तुम जानते हो ना नेता, तुम्हारा ये निर्णय एक निर्दोष की जान ले सकता है। निर्दोष नहीं कोबरा, वो एक हत्यारा है, उसने बहुतों की जान ली है। नहीं नेता, ये अधूरा ज्ञान ही ले जाता है शमशान, अगर उसे कुछ हुआ तो उसका तो पता नहीं पर तुम्हारे पक्के जाएंगे प्राण। क्या मतलब कोबरा? तुमने जिसे मारने का आदेश दिया है नेता, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, उसके अंदर एक शैतान भी है, और अगर शैतान से टकराओगे तो कैसे बच पाओगे? क्या तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ कोबरा? जो ऑर्डर दिया है उसे हटाओ वरना पछताओ, और सबसे पहले मुझे उस लोकेशन के बारे में बताओ। लोकेशन ठीक है कोबरा, वो उसे सीपीआर के पीछे वाले पहाड़ी पर ले गए हैं। ठीक है अब उन्हें रोको। अरे नहीं, ये राय ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे जल्दी ऑर्डर कैंसिल करना होगा। कोबरा अच्छे से जानता था कि कृष्णा भी एक इंसान है जो मुसीबत देख के घबराएगा, और जब वो घबराएगा तो स्कॉर्पियो बाहर आएगा। बापरे ये क्या हुआ, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना इंस्पेक्टर? पता नहीं सर, शायद अचानक गाड़ी के सामने कुछ आया था। पर क्या इंस्पेक्टर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है उस गाड़ी के ड्राइवर को कोई गलत फहमी हुई थी होगी, उसने अचानक ही ब्रेक लगा दिया, इसलिए मुझे भी लगाना पड़ा सर। अच्छा ठीक है जाने दो, मौसम काफी खराब हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एक मिनट, वो लड़का कहाँ गया? आखिरकार डर ने रूप ले लिया है, बरसात ने धूप से कह दिया है कि अब होगा सिर्फ तबाही। सर मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आपको राय साहब की स्टोरी याद है? हाँ, ये क्या, ये सब क्या है? मौत का प्रारंभ, जो अब होगा आरंभ। ये क्या सर, ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है राय साहब की गाड़ी बिल्कुल सही थी, वो सच में कोई शैतान है। ये क्या सर, गाड़ी के ऊपर देखिए। अंत से भागोगे तो बचकर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। ये जेके सर, ये सब क्या हो रहा है? राय साहब ने एग्जैक्टली ऐसी कहानी सुनाई थी, वो हमें मार डालेगा ना सर? तुम्हारी मृत्यु तुम लोग ने खुद तय की है, मैं तो बस उसे पूर्ण करने आया हूँ। ये नियति का चक्र है, इसे कोई नहीं टाल सकता। मैंने जो काम करने का प्रण लिया है उसे मैं पूरा करूंगा। ये तुमने क्या कर दिया, उन निर्दोषों को मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सच कहूँ तो ये तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है कोबरा, अपनी सलामती चाहते हो
तो दूर रहो इन सब से। तब तो तुम्हें रुकना चाहिए क्योंकि मेरे भी कुछ फर्ज है और उन्हें मैं निभाऊंगा। तुम कितना भी दूर जाओ पर मैं जरूर आऊंगा। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है कोबरा, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ और तुम्हारे क्षेत्र से बाहर हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और जहाँ तक बात रही शरीर की, तो मैं इसे जब चाहे तब नष्ट कर सकता हूँ। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो या मुझसे? तुम भी जानते हो इस शरीर के अंत से तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जिस अभिशाप के लिए आए हो वो अधूरा रह जाएगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं तुम कितना सही हो। बस इतना जान लो तुम मुझसे ऊपर नहीं हो। कोबरा, मुझे बचा लीजिए। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कैसे संभव है? उस आत्मा ने अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा दिया। यज्ञ की तैयारी करो। महंत, इसे बचा लीजिए। तुम व्याकुल ना हो कोबरा, हम पूरी प्रयत्न करेंगे। इस स्थान पे आने के बाद वह स्वयं ही ठीक हो जाएगा। जी महंत, परंतु आत्मा ने स्वयं ही शरीर पे आक्रमण किया, ये कैसे संभव है महंत? नहीं कोबरा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आत्मा ने आक्रमण किया क्योंकि वो हम तक पहुंचना चाहता था। अर्थात वह यहाँ तक पहुँच गया होगा महंत, मुझे उसे रोकना होगा। नहीं कोबरा, ये एक पवित्र स्थान है, यहाँ चाह कर भी कोई शापित आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु इस कांपियो, वो तो आएगा, उसे मौत का डर नहीं है, वो बार बार टकराएगा। देखो तुम जो कोई भी हो वापस लौट जाओ, यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। ये सब ढकोसले कमजोर लोगों के लिए है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, प्रवेश करो और स्वयं देखो। त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टि वर्धनम्। तो चल मैं भी देखूं आखिर ये तेरा मंत्र मुझे कैसे रोकता है। ये क्या, यकीन मानो सिर्फ कुछ क्षण के लिए इन मंत्रों के दम पर बच जाओगे तुम, पर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता कोबरा, उस रात उसके सिवा वहाँ कोई और भी था। इसका क्या अर्थ है महंत? इसका अर्थ स्पष्ट है कोबरा, उस रात वो अभिशाप कृष्णा के लिए नहीं किसी और के लिए था। उसने इस अभिशाप को कृष्णा तक जाने दिया। क्या अर्थ है महंत इस बात का? वो मानव वहाँ पहले से मौजूद था कोबरा, शायद किसी और कार्य के लिए। महंत, कहीं ये पुनर्जन्म से संबंधित तो नहीं? इसके पूर्ण संभावना है कोबरा कि उसे पूर्व ज्ञात था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ जा पहुँचा कृष्णा। और शायद उसे कृष्णा के रूप में एक बेहतर विकल्प मिला उस अभिशाप को काटने के लिए। हाँ कोबरा, उसने इंतजार किया उन लोगों के जाने का, और उसके पश्चात उसने कृष्णा के शरीर को अभिशाप के लिए तैयार किया। तो परंतु कैसे महंत, एक अभिशाप को किसी और पे कैसे डाला जा सकता है? शायद उसे अभिशाप के काट का पूर्ण ज्ञान था, शायद उसने स्वयं ही अभिशाप को झेला है या अभिशाप को पार किया है। बस बहुत हुआ स्कॉर्पियो, मैं तुम्हें अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। इस अभिशाप का अंत करो क्योंकि अब और नहीं भागूंगा मैं तुमसे। उस रात वो आया था अभिशाप से टकराने, इस जीवन से मुक्ति पाने, लेकिन उसकी किस्मत ने ले आया कृष्णा को वहाँ तक, जहाँ उसकी जिंदगी ने उसे दिया एक बार फिर से दस्तक। तेरा काम खत्म हो गया है बे, अब राय साहब सिर्फ तेरी मौत चाहते हैं। क्यों? चलो बे, कहीं कोई हमें देख ना ले। कृष्णा की हालत देखकर उसे समझ आ गया कि कृष्णा की मृत्यु तो तय है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किसी तरह कृष्णा को ही आहुति दिया जाए, जिससे अभिशाप का अंत भी होगा और वो आजाद भी। मुझे माफ करना लड़के, पर मैं मजबूर हूँ। निमीना तुमा ले स्कॉर्पियो, ये आहुति तेरे लिए। पर उसे इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके वो खुद तो अभिशाप से दूर चला जाएगा, पर कृष्णा वो अभिशाप के चंगुल में आ जाएगा। तुम्हारे साथ अभिशाप की शुरुआत अगले दिन से होगी। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो ध्यान से सुनो, अपने गुस्से और अपने कमजोरी पर नियंत्रण रखना, खुद को कमजोर मत होने देना वरना वो तुम पर हावी होगा। और ध्यान रहे, तुम उससे किसी भी हाल में नहीं भाग सकते, इसलिए खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और खुद का अस्तित्व छुपाने के लिए उसने सब कुछ पहले जैसा कर दिया, ताकि इस कहानी में सिर्फ कृष्णा और अभिशाप हो और इसका पत्ता साफ हो। हो सके तो मुझे माफ कर देना लड़के, और स्वयं का ध्यान रखना और मेरी बातों को याद रखना। निमीना तुमा। और इस तरह वो अभिशाप कृष्णा पर लागू हुआ, इसलिए मैं कृष्णा के जरिए उस अभिशाप तक नहीं पहुंच सकता कोबरा। अर्थात अभिशाप के अंत तक जाने के लिए हमें उस आदमी की आवश्यकता होगी महंत। हाँ कोबरा, तुम उसे लेकर आओ, मैं इसके प्राण बचाता हूँ, और शायद ये वही अंत है जिससे मैं सबको बचाना चाहता हूँ।
तो अब नहीं चाहते हुए भी कहानी का अंत आएगा और अंत ऐसा होगा जो सबको सताएगा। अगले भाग में अतीत का पर्दा सामने आएगा और यकीन मानो उसके आने के बाद ये कहानी पूरा बदल जाएगा। और साथ ही डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, तो जाकर वहां से ज्वाइन जरूर कर लेना और एक प्यार से कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना, क्योंकि वीडियो में आप लोग के लिए गिव अवे अवेलेबल है।